क्या आप भी घर बैठे बैठे कैबिन क्रू के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं? अगर इस सवाल का आंसर है हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ग्रीन इंस्टीट्यूट चैनल। मेरा नाम है संजना भंडारी और अगर आप भी कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए आज वो क्वेश्चंस जो कैबिन क्रू के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडिया की एयरलाइंस में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बताऊंगी और इन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बताऊंगी। मुझे 15 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है एज अ कैबिन क्रू। मैंने दुनिया की नंबर वन एयरलाइंस कतार एयरवेज, इंडिया की नंबर वन एयरलाइन एयर इंडिया और एतिहाद जैसी इंटरनेशनल टॉप एयरलाइंस के साथ काम किया है। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, इसी उम्मीद में मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दूंगी टिप्स, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि आपको इस इंटरव्यू में कैसे जाना है, क्या करना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सारे क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन इंटरव्यूज़ में और उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके सैम्पल आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके ये सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप पहले ये वीडियो पूरी की पूरी देखिए, बिकॉज इसमें मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है आप लोगों को कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप स्ट्रेट अवे उस लिंक पे जाके ये सैम्पल आंसर्स देख लोगे और उन्हें मक कर लोगे तो इट विल नॉट, आपकी जो ट्रू पर्सनैलिटी होगी इट विल नॉट हाईलाइट दैट। तो इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पहले इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से पूरा देखिए और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस और इनके सैम्पल आंसर्स आप लिंक में जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी टिप्स से जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी ताकि आप इंटरव्यू के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकें, आपने इंटरव्यू में जाके क्या करना है, कैसे जाना है एंड ऑल दैट। तो टिप नंबर वन, डेफिनेटली गो वेल रेस्टेड। इससे मेरा मतलब ये है कि प्लीज़ कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करके जाइएगा, बिकॉज वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो थोड़े ट्रिकी हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर आप थोड़े से स्लीपी होगे, ग्रॉगी होगे, तो इवन दो आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बोल सकते हो, आप शायद वहाँ पे अच्छे से नहीं बोल पाओगे। तो डेफिनेटली गो वेल रेस्टेड वुड बी माई टिप नंबर वन। टिप नंबर टू, जब आप किसी भी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जाएं तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप उस एयरलाइन के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाएं। इसमें से सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने पढ़ के जानी है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। जब आप देखोगे उस जॉब के बारे में तो हर जॉब में लिखा होता है कि बेसिकली जो वो एयरलाइन है वो आपसे क्या चाहती है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और जो भी वो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ज़्यादा रेलेवेंट आंसर्स दे पाओगे। दूसरी चीज़ जो आपने पढ़नी है वो है विकिपीडिया पे अबाउट द एयरलाइन दैट यू आर गोइंग फॉर। उनके खुद की वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हो, उन्हें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हो और उनके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ भी आपने ज़रूर से पढ़ के जानी है। डेफिनेटली इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आएंगे और जो बाकी के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, अगेन आप उनको ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। मेक श्योर कि आपको उनका मिशन पता हो, विजन पता हो, उनका क्या एम है ये पता हो, उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं ये पता हो, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया है ये पता हो। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए उनके पास कितने एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी डेस्टिनेशंस में जाते हैं, कौन सी डेस्टिनेशंस है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी उनके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको आंसर करने में और डेफिनेटली आपको और ज़्यादा रेलेवेंट बनाएगी। टिप नंबर थ्री, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग इज़ प्रायोरिटी।
प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो कैबिन क्रू का जॉब है वो एक प्रोफेशनल जॉब है. आपको प्रोफेशनल अटायर में जाना बहुत ज़रूरी है. अगर इफ़ यू आर अ बॉय देन प्लीज़ वेयर बिजनेस सूट विद अ टाई. अगर आप फीमेल हैं तो प्लीज़ आप स्कर्ट पहने अच्छे से ग्रूम होके जाएं. बाल अपना पुट इट इन अ बन अगर लंबे बाल हैं आपके. ऑल्सो मेक श्योर आपके शूज़ अच्छे से पॉलिश्ड हैं, आपके नेल्स अच्छे से पॉलिश्ड हैं, क्लीन हैं. फॉर मेल कैंडिडेट्स और फॉर फीमेल डेफिनेटली आप नेल पॉलिश लगा सकते हैं अच्छे से. फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यू शुड बी डूइंग प्रोफेशनल मेकअप जो आपके फीचर्स को एनहेंस करे. और डिसेंसी दिखाना आई थिंक वुड बी अ गुड आइडिया व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू. सो माय फोर्थ टिप फॉर यू इज बॉडी लैंग्वेज. प्लीज़ आप एयरलाइन के इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा. इसमें कुछ ऐसा मेजर नहीं होता है, इसमें सिर्फ इतना है कि आपने एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखनी है. आपने अपने जो आर्म्स हैं उन्हें फोल्ड करके बात नहीं करनी है किसी से. आपको आपने स्लाउच नहीं करना है. अगर वहाँ पर चेयर है या टेबल है तो आप उस पर सहारा लेके नहीं खड़े हो सकते हैं. इसके साथ साथ एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है इंटरव्यूअर के साथ या जो भी. यू नेवर नो कि आपको कौन कब देख रहा है. तो जो भी आप जिससे भी बात करें प्लीज़ हैव अ गुड आई कॉन्टैक्ट. तो या बॉडी लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माई फिफ्थ टिप फॉर यू इज स्माइल अ लॉट. जब भी आप वहाँ पे किसी से भी बात करें आप प्लीज़ स्माइल करें. इससे आप बहुत ज़्यादा पोलाइट और प्रोफेशनल लगेंगे. My sixth and the last tip for you is again on politeness. Please be polite to everybody. Please wait for your turn, stand in line, knock before you enter a room, ask permission before entering the room. ye sab cheeze even baithne se pehle you can ask may I sit. All these things ye jo bhi aapki basic etiquettes hote hain wo agar aap wahan pe follow karoge, agar aap wahan pe dikhaoge, सिर्फ इंटरव्यूअर के साथ नहीं आपके जो वहाँ पे फेलो लोग होंगे जो वहाँ पे इंटरव्यू देने आए होंगे, फ्यूचर में जो आपके फेलो कलीग्स बन सकते हैं, अगर आप उनके साथ भी ऐसे रहोगे तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपको देख लेंगे. वहाँ पे सबकी नज़र आप ही के ऊपर होगी. सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू लीव अ पॉजिटिव इम्प्रेशन. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन अ कैबिन क्रू इंटरव्यू. तो सबसे पहला क्वेश्चन, चाहे आप दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में चले जाएँ यूजली यही रहता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. इसे वो ऐसे भी पूछ सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ऐसे भी पूछ सकते हैं हु इज़ समझना, राइट. तो इस क्वेश्चन को आपने आंसर करने से पहले दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. पहली ये कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा लंबा मत बोलना. दूसरी चीज़ ये कि आपको याद रखना है कि ये आपकी जॉब से रेलेवेंट होना चाहिए जो भी आंसर हो, राइट. चाहे आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जॉब एक्सपीरियंस, तो आपको ये याद रखना है कि इधर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है एज अ कैबिन क्रू वो क्या है. तो इसमें भी आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आप वही बताना जो रिलेटेड टू ये जॉब है. मतलब उस जॉब से आपको ऐसा क्या मिला कि आप ये जॉब को और अच्छे से कर पाओगे. तो इसका इससे रेलेवेंस से मेरा मतलब ये है. चाहे आप अपनी एजुकेशन बताओ तो ज़्यादा स्ट्रेस उसी एजुकेशन पे देना जो आपकी रिलेटेड टू एयरलाइंस है. जैसे अगर आपने कैबिन क्रू का डिप्लोमा किया हो या कैबिन क्रू बनने का सर्टिफिकेशन कोर्स किया हो तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान देना. और अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से जानना है कि इस आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो हम जो मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है तो मैं वो वीडियो आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी. आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं. प्लीज़ उस वीडियो को अच्छे से देखना बिकॉज ये एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. दिस इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन सो इट्स गोइंग टू बी द लास्टिंग इम्प्रेशन. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें.
सो क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू? ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो अगेन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे इंटरनेशनल एयरलाइंस हो, चाहे इंडिया में कोई भी एयरलाइंस हो. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको मैं पहले बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना है. तो सबसे पहली चीज़, आपने कभी भी ये नहीं बोलना है क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी होती है. ओके, पैसा आप जब भी बोलते हो तो एक ऐसी फीलिंग आती है सामने वाले को जैसे आप लालची हो गए. सो डेफिनेटली आपने पैसे या सैलरी को नहीं यूज़ करना है. सेकेंड, आपने ये नहीं बोलना है आई लव ट्रैवलिंग. ऑल राइट, बिकॉज फर्स्टली वो पूरी हर कोई यही बोलता है उनसे, तो वो ये सुन के बहुत ज़्यादा थक चुके हैं. एंड सेकेंडली कि आपको ट्रैवल करना पसंद है, पर इससे ये नहीं पता लग रहा कि उनको आपको क्यों हायर करना चाहिए. राइट, ऑब्वियसली वो आपको इसलिए नहीं हायर कर रहे हैं क्योंकि वो आपको क्या बोलते हैं कुछ देना चाहते हैं. वो इसलिए हायर कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी कंपनी के लिए जो काम करें, जो उनकी कंपनी को आगे बढ़ाए, जो उनकी टीम को आगे बढ़ाए, उसके लिए एक सही कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं. सो थर्ड थिंग जो आपने नहीं बोली है इस क्वेश्चन के आंसर में कि दिस इज़ योर चाइल्डहुड ड्रीम, आई एम रियली पैशनेट अबाउट इट, बिकॉज ये भी अगेन ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन वो ये आंसर सुन चुके हैं. तो आप हो सके तो इन तीनों चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा इन आंसर में. आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हैं, इसके लिए आई थिंक आप लोगों को सोचना चाहिए खुद से कि आप वाकई में कैबिन क्रू क्यों करना चाहते हैं. उस मोमेंट के बारे में या आपने ट्रैवल किया हो और आपने किसी कैबिन क्रू को देखा कि वो क्या कर रही थी या कर रहा था और उससे आप इंस्पायर हुए, या आप किसी को जानते हो अपनी लाइफ में जो कैबिन क्रू है और आप उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हो कैबिन क्रू होने की, या आप बोल सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी एजुकेशन दोनों ही आपको मीन्स और स्किल्स देती हैं इस प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए. शायद आप ऐसे इंसान नहीं हो जो 9 to 5 जॉब कर सकता है. आप एक पीपल्स पर्सन हो, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आपको लोगों से बात करके जो सीख मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. तो ये सब चीज़ें बोले, फिर ऑब्वियसली आपको ये भी बताना है कि ये एक ऐसी, जब आप इस इंटरव्यू के लिए रिसर्च कर रहे थे तो आपने इस एयरलाइन के बारे में पढ़ा और आपको बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पता चला और आपको ये पता चला कि जो एयरलाइंस है वो बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशंस पे जाती है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये सब चीज़ें देखने की, इतने सारे कल्चर के लोगों से मिलने की, उनके बारे में जानने की. तो आप ये सब चीज़ें बोलिए, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा इमोशनली उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए एज अ ह्यूमन बींग, और रटे रटाए आंसर्स से जितना दूर रह सके, जो गूगल पे मिल जाते हैं या इधर उधर मिल जाते हैं उनसे आप जितना दूर रह सके उतना अच्छा है, बिकॉज वो डेफिनेटली उन आंसर्स को बहुत बार सुन चुके हैं. तो ओरिजिनैलिटी विल टेक यू अ लॉन्ग वे. सो थर्ड थिंग, थर्ड क्वेश्चन, नॉट थिंग सॉरी, थर्ड क्वेश्चन जो यूजुअली एयरलाइन के इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है व्हाई अस, मतलब जिस भी आप एयरलाइन के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो वो पूछना चाह रहे हैं कि आपने हमें ही क्यों सोचा. तो आपको इसमें आंसर करना है, जैसे कि मैंने आपको टिप्स में बताया कि आपने पढ़ना है कि व्हाट आर यू नो विकिपीडिया पे और इनकी वेबसाइट्स पे और न्यूज़ चैनल्स में कि इनका एम क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, हिस्ट्री क्या है. तो वो सब चीज़ें देखते हुए आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. आपको ये बताना है बिकॉज इनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, इस एयरलाइन में काम करके ये यूनिफॉर्म पहन के आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्राइड का मोमेंट होगा, यू विल बी एक्सट्रीमली प्राउड. आपको ये बताना है कि यू नो व्हेन यू वर डूइंग रिसर्च फॉर दिस इंटरव्यू देन यू फाउंड आउट कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, एंड टू बी वर्किंग विद सच ग्रोथ ओरिएंटेड एयरलाइन वुड ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ग्रोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली. ऑल्सो यू कैन प्रॉब्ली मैंशन अगैन द यू नो द डेस्टिनेशंस दैट दे गो टू, सो थिंग्स लाइक दैट. आप ये सब चीज़ें मैंशन कर सकते हो व्हाई अस में. उन्हें अच्छा लगेगा कि आप उनके बिजनेस को समझते हो, आप उनके चैलेंजेस को समझते हो कि वो एयरलाइन क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है. और इसके साथ साथ आप ये भी बताना कि मैं समझ रही हूँ कि ये इतनी जल्दी ग्रो कर रही है, तो मैं भी उसी तरीके की इंसान हूँ, मुझे चैलेंजेस पसंद है और मुझे पता है कि मैं ये फास्ट पेस एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से ढल जाऊँगी और हेल्प करूँगी इस कंपनी को, इस एयरलाइन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में.
सो फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे एयरलाइन के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है दैट हाउ वुड यू डील विद अ डिफिकल्ट गेस्ट. ओके, मतलब अगर कोई गेस्ट बदतमीज़ है या थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा क्रैंकी है या थोड़ा सा एजिटेटेड है, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए. तो इसका तरीका यही होता है कि आप पहले उस इंसान को अच्छे से सुनो, फिर आप उसके साथ एम्पथाइज करो. एम्पथाइज का मतलब आप उसके जूतों में जाके, मतलब कदम रख के सोचो कि अगर आप उसकी पोजीशन में होते तो शायद आपको भी बुरा लगता. तो अंडरस्टैंड द गेस्ट बेटर. उसके बाद आप सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हो कि चलो ये हम नहीं कर पाएंगे, बट क्या हम ये कर सकते हैं, या ये जो हमसे गलती हुई है उसको सॉल्यूशन ये है, तो आप सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं. थर्डली, आप अपोलोजाइज कर सकते हैं अपनी एयरलाइन की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से आप अपोलोजाइज कर सकते हैं. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सर्विस रिकवरी. बेसिकली जो जितने भी समय वो गेस्ट आपके साथ है, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो होटल स्टे हो, चाहे वो रेस्टोरेंट स्टे हो, आप उसमें सर्विस रिकवरी कर सकते हो. उसको बार बार पूछ सकते हो, मतलब बार बार इतना भी नहीं कि आप उसे इरिटेट कर दो, बट एक दो बारी और जाके कि सर अब सब कुछ सही है, अगेन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर दैट मिस्टेक, बट आई होप दैट अब आपका स्टे अच्छा जा रहा है, आपकी फ्लाइट अच्छी जा रही है, और इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू विद, आई वुड लव टू हेल्प यू विद समथिंग एल्स. तो इसको बोलते हैं सर्विस रिकवरी, जिससे कि आप गेस्ट को बता सकते हो कि उनका बिजनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी एक्चुअली केयर फॉर देम, और हम उनको बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं. इससे आप जो एक एंग्री या डिफिकल्ट गेस्ट होगा उसको आप एक लॉयल गेस्ट में टर्न कर सकते हैं. सो फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो है ये कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ. तो बेसिकली इसमें आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको एयरलाइन को ये बताना है कि आप 5 साल के बाद भी उन्हीं के साथ काम करना चाहोगे. आप एक लॉयल इंसान हो, आप ऐसे इंसान नहीं हो जो सिर्फ स्टेपिंग स्टोन की तरह इस एयरलाइन को ले रहा है और फिर जैसे ही बेटर अपॉर्चुनिटी मिली आप भाग जाओगे. तो आपको यही बताना है कि आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इफ़ आई एम लकी इनफ टू गेट थ्रू दिस इंटरव्यू एंड इफ़ गिवन अ चांस बाई यू टूडे, देन डेफिनेटली आई वुड लव टू सी माई सेल्फ एज a manager or as or at a higher position with your esteemed airline, and I know that with my hard work and my abilities to learn because I am a very good team player, I would be able to achieve something like that. So aap aise unko bata sakte hain that you are not going to leave them very quickly. Yeah. सिक्स क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है एक एयरलाइन के इंटरव्यू में वो ये है कि व्हाट डू यू थिंक यू लाइक द मोस्ट अबाउट द कैबिन क्रू जॉब, एंड व्हाट डू यू थिंक यू डिसलाइक द मोस्ट अबाउट अ कैबिन क्रू जॉब. तो इसमें आपने कैसे इसे अटेम्प्ट करना है, डेफिनेटली आपने इसे ऐसे बोलना है कि जो भी आप डिसलाइक्स भी बोलो, जो आप लाइक करते हो वो तो आप बोल ही सकते हो, राइट, लेकिन जो आप डिसलाइक करते हो आपने वो भी ऐसी चीज़ें बतानी है जो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, और ये जो भी डिसलाइक्स है इसको आप कैसे कोप करोगे, कैसे आप अपने आप को हेल्प करोगे. जैसे प्रॉबेबली आप ये बोल सकते हो कि व्हाट आई डिसलाइक मोस्ट अबाउट दिस जॉब इज दैट देयर इज नो टाइम, देयर इज नो यू नो रेगुलर टाइमिंग्स दैट आई हैव टू कम टू वर्क ऑन. समटाइम्स इट्स गोना बी अर्ली मॉर्निंग, समटाइम्स इट्स गोना बी लेट नाइट, समटाइम्स इट्स गोना बी इन द आफ्टरनून, बट आई डू अंडरस्टैंड दिस एंड आई नो that if I do exercise, if I do yoga, if I eat well, then I would be able to you know help myself in coping up with this change of timings in my shift. तो ऐसे आपने जो भी आपका डिसलाइक भी हो आप उसका भी एक कोपिंग उनको मैकेनिज्म जरूर बताना कि आप इसके साथ कैसे डील करने वाले हैं. तो गाइज ये थे टॉप 6 कैबिन क्रू के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस. अब मैं आपको इस वीडियो में आगे और भी क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके कैबिन क्रू के इंटरव्यू में आ सकते हैं, चाहे वो इंडिया में कोई भी एयरलाइन हो या वो इंटरनेशनल कोई भी एयरलाइन हो, जैसे कतार एयरवेज, एतिहाद, फ्लाई दुबई, लुफ्तांजा, ब्रिटिश एयरवेज. अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स चाहिए, विद सैम्पल आंसर्स, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक
लिंक छोड़ दिया है, इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस और उनके सैम्पल आंसर्स दिए हैं, तो आप उधर जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, आपको जैसे भी ठीक लगे। अब मैं आगे इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस ही बताऊंगी, बिकॉज ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइज चलिए देखते हैं और कौन से पॉपुलर क्वेश्चन हैं जो कैबिन क्रू के जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। Challenges faced in a cabin crew job. Why should we hire you? Skills and qualities needed to be a cabin crew. How do you spend your weekend? Who is your role model apart from your parents? या सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं, who is your role model? Favorite movie and its favorite character. How is your relationship with your mother, father, brother, sister, cousins, aunties, uncles? Current affairs. Describe yourself in 3 words. What is your biggest weakness? What are your hobbies? फिर आपको situational questions भी आ सकते हैं, जैसे tell me a time when you delivered excellent customer service. How would you deal with a crying child? What would you do if you see another cabin crew being rude? How would you handle a drunk guest? तो गाइज ये थे वो सारे क्वेश्चन जो कैबिन क्रू के जॉब इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इन्हें प्रिपेयर करके जाएंगे और मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप अपनी ड्रीम जॉब ज़रूर हासिल कर पाएंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बिकॉज मैं एक कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट भी चलाती हूँ, आई टीच अ लॉट ऑफ गर्ल्स टू अचीव देयर ड्रीम जॉब। तो अभी अभी जो भी मेरे स्टूडेंट्स एयर इंडिया, इंडिगो या इंटरनेशनल एयरलाइंस में हायर हुए हैं, मैंने उनसे भी पूछा है कि कैसे इंटरव्यू गए आपके, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ गो थ्रू देम। इनका इनको मैंने अच्छे से क्वेश्चंस और इनके सैम्पल आंसर्स भी आप लोगों के लिए नीचे लिंक छोड़ दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ वहाँ हमारी वेबसाइट पर जाके ये सारे क्वेश्चंस और इनके सैम्पल आंसर्स भी देख सकते हैं। All the very best and I hope to see you on the other side.